नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो बॉलीवुड स्टार्स की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग होती है, उन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और उनकी तस्वीरों और वीडियोस को लाइक भी करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की भी मात्रा काफ़ी है। सेलेब्स की एक छोटी सी गलती पर ट्रोलर्स बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। कई बार तो सेलेब्स कुछ भी नहीं करते तो भी लोग उन्हें ट्रोल करते रहते हैं। ऐसे में अरबाज खान लेकर आए हैं अपने पॉपुलर टॉक शो पिंच, जिसका सीजन 2 जल्दी आने वाला है। दरअसल अरबाज अपने टॉक शो पिंच के दूसरे सीजन को लेकर वापस आ रहे हैं। इस शो का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। प्रोमो में इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स नजर आ रहे हैं, जिसमें सलमान खान, कियारा आडवाणी, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और फरहान खान जैसे स्टार्स शामिल है। प्रोमो में देखा जा सकता है कि सभी सेलेब्स ट्रोलर्स के कमेंट को पढ़ रहे हैं और उनका जवाब भी दे रहे हैं। किसी ने अनन्या पांडे को फेक पांडे कहा तो किसी ने टाइगर श्रॉफ को कहा कि वे जैकी श्रॉफ के बेटे लगते ही नहीं हैं। वहीं फराह खान को नेपोटिज्म को लेकर ट्रोल किया गया। ऐसे में सभी सेलेब्स एक एक कर कमेंट्स पढ़ते हैं और उनका मज़ेदार जवाब भी देते हैं। प्रोमो की शुरुआत सलमान खान से होती है। अरबाज उन्हें एक ट्रोल का कमेंट पढ़कर सुनाते हैं कि जनता का भगवान मत बनो। इस पर सलमान जवाब देते हैं कि सही बात है, एक ही भगवान है और मैं नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद जो दूसरा कमेंट सलमान खान पढ़ते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जब दूसरे कमेंट की बारी आती है तो सलमान कहते हैं कि इन्होंने मेरे पोस्ट के अंदर ऐसा क्या देख लिया जो ये हमारे घर को एक अय्याशी का अड्डा बता रहे हैं। जी हाँ, किसी ने सलमान खान के घर को अय्याशी का अड्डा बताया है। साथ में आपको बता दें कि प्रोमो में सलमान खान और अरबाज खान के बीच कमाल की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। ऐसे में फैंस बेसब्री से इस शो का इंतजार भी कर रहे हैं। प्रोमो में अनन्या को कहते हुए सुना जा सकता है कि मुझे स्ट्रगलिंग दीदी क्यों बुलाते हो। प्रोमो देखकर साफ है कि ये शो मज़ेदार होने वाला है। अनिल कपूर और फरहान अख्तर भी इस प्रोमो वीडियो में नज़र आ रहे हैं। अरबाज खान का ये शो 21 जुलाई से प्रीमियम किया जाएगा। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।